हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। सो हम आज स्टोरी सुनेंगे और पहली स्टोरी जो है उसका कहानी का नाम है फलों की सैर। सारे के सारे फ्रूट्स घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि सब फ्रूट्स ने सोचा कि हम घूमने चलते हैं, और ये आइडिया था हमारे आम का, फलों का राजा आम। इसने सोचा कि आज संडे है और आज हम घूमने चलते हैं। तो इसने सोचा कि चलो सबसे बात करते हैं। तो ये सबसे पहले गया किसके पास? सबसे पहले गया ये एप्पल के पास, सेब के पास गया। और आम ने बोला सेब को कि चलो चलो आज संडे है, सब घूमने चलते हैं। तो सेब ने बोला कि नहीं, मैं तो सोऊंगा संडे को, मुझे तो बहुत नींद आती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है घूमने का, मेरा तो बिल्कुल सोने का मन है। तो आम वो हो जाता है, बिल्कुल उदास हो जाता है कि चलो किसी और से पूछते हैं, सेब तो नहीं जाना चाह रहा। तो आम चलता है, आगे आता है अंगूर के पास, ग्रेप्स के पास आता है। और आम बोलता है अंगूर को कि चलें आज घूमने चले, संडे है आज। तो ग्रेप्स बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो, मैं तो रेडी हूं, बिल्कुल 2 मिनट में रेडी होके चलते हैं। तो ग्रेप्स रेडी हो जाता है और आम के साथ चलने लगता है और सोचते हैं कि चलो और भी फ्रूट से पूछ लेते हैं, और भी कोई चलेगा हमारे साथ। तो वो पहुंचते हैं मिस ऑरेंज के पास, मिस ऑरेंज, और उसको बोलते हैं क्या तुम चलोगी हमारे साथ, हम सब घूमने जा रहे हैं। तो मिस ऑरेंज बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, चलो 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 चलते हैं हम भी। तो ये भी रेडी हो जाती है। फिर ये पहुंचते हैं वाटरमेलन के पास। अब वाटरमेलन दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे, वो दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। तो देखो कैसे दांत दिखा रहा है अपने, खुश हो रहा है अपने फ्रेंड्स को देख के कि दूर से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मुझे बुलाने। तो सब पूछते हैं कि चलोगे पिकनिक पे, चलना है? तो ये भी रेडी हो जाते हैं कि चलो चलते हैं। तो फिर मिस ऑरेंज बोलती है कि एप्पल कहाँ है, एप्पल नहीं दिख रहा। तो सब बोलते हैं कि एप्पल ना सो रहा है, वो बहुत लेजी है, वो कह रहा है मुझे नहीं जाना। तो फिर मिस ऑरेंज बोलती है चलो मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरी बात मान ले वो। तो मिस ऑरेंज जाती है एप्पल को बुलाने। तो ये सब पहुंच जाते हैं अब एप्पल के पास। तो मिस ऑरेंज बोलती है कि चलो ना खूब मजा करेंगे, सब फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। तो एप्पल बोलते है कि चलो, अब सबको देख लेता है कि सब जा रहे हैं तो मैं क्यों रुकू, मैं भी चलता हूँ। तो सब लोग चल पड़ते हैं। तो सब लोग जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, गाना गुनगुना रहे होते हैं, सब लोग चल रहे हैं चल रहे हैं। तो रास्ते में एक आ जाती है बड़ी सी खाई, बड़ा सा गड्ढा, बहुत बड़ा। अब उसे क्रॉस कैसे करें, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, कैसे क्रॉस करेंगे? अब सब सोचने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, कैसे खड्डा पार करें, कैसे इसको क्रॉस करें हम। तो वो लोग इतने में मिस ऑरेंज बोलती है कि चलो हम ब्रिज बना सकते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, कोशिश करते हैं ब्रिज बनाने की। तो वो लोग सब मिलके ब्रिज बनाने लगते हैं। तो फिर सबने देखो एक ब्रिज बनाया, ये ब्रिज बनाया सबने, और ये ब्रिज बन के रेडी हो गया। अब सब लोग कहते हैं कि अब हम जा सकते हैं, लेकिन मैंगो बोलता है कि रुको रुको, पहले जो सबसे लाइट वेट का फ्रूट है ना उसको चढ़ाकर देखते हैं, कहीं हम सब चढ़े और सबके सब नीचे जाके गिर जाएं। तो अब देखने लगते हैं। तो मैंगो देखता है वाटरमेलन की तरफ, वाटरमेलन कहता है मैं तो इतना मोटा हूं, मुझे सबसे पहले चढ़ाओगे क्या, ब्रिज टूट गया और मैं नीचे गिर गया तो? तो फिर सबकी नजर जाती है ग्रेप्स पे। तो ग्रेप्स से पूछते हैं, तो ग्रेप्स कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा ही चढ़ के देखूंगा, लेकिन अगर नहीं हिला तो मैं आगे आगे चलूंगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ग्रेप्स
चढ़ने लगता है ब्रिज पे, और ये देखो ब्रिज हिलने लगा और ग्रेप्स वापस, कहते देखो मैं गिर जाता तो, मुझे कुछ हो जाता तो फिर सब के सब सोच में बैठ जाते हैं, अब क्या करें क्या करें। तो फिर ऑरेंज बोलते हैं फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। और एप्पल तुम पिछली बार सो गए थे जब हम ब्रिज बना रहे थे, तो अब जरा तुम भी साथ आओ, सब साथ में काम करेंगे, अकेले तुम थोड़ी जा रहे, अकेले हम सब थोड़ी जा रहे हैं पिकनिक पे, तुम भी तो जा रहे हो, तुम्हें भी साथ होना चाहिए। तो फिर वो भी साथ में खड़ा हो जाता है। अब सब मिलके अच्छे से ब्रिज बनाने लगते हैं। बहुत देर लगती है ब्रिज बनाने में, सब लोग थक भी जाते हैं, लेकिन पिकनिक का मजा तो सबको चाहिए, इसलिए पिकनिक तो कैंसिल होगी नहीं। तो अब ब्रिज बना और अच्छे से कोशिश की बनाने की, और देखो अब ब्रिज बनके कितना अच्छा सा रेडी हो गया। अब सबने कहा कि अब मैंगो तुम शुरू करो, तुम चलो, तुम्हारा पिकनिक का प्लान था ना, अब तुम ही आगे जाओ सबसे पहले। तो मैंगो आगे चल पड़ा, देखो मैंगो आगे चल पड़ा और मैंगो ने ये फुल पार कर लिया ब्रिज। अब सभी एनिमल, सभी फ्रूट्स जो है वो आगे 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 ब्रिज क्रॉस करने लगे, और ये देखो ग्रेप्स भी जा रहा है खुशी खुशी, और ग्रेप्स ने भी ब्रिज पार कर लिया, और एप्पल हमारा सबसे लेजी 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 जा रहा है, और इसने भी ब्रिज क्रॉस कर लिया। और मिस ऑरेंज देखो कितनी सुंदर लिपस्टिक लगाई है इसने, ये भी जा रही है ब्रिज क्रॉस कर, और इसने भी ब्रिज क्रॉस कर लिया। और अब सबका प्लान जो था पिकनिक स्पॉट पे पहुंचने का वो हो गया पूरा। अब सबके सब फ्रूट्स जो हैं वो हैप्पी हैप्पी हैं, क्योंकि वो पिकनिक मनाने पहुंच चुके हैं, और सबने खूब इंजॉय किया, खूब मजा किया, और सबने मैंगो का जो प्लान था वो पूरा हो गया, सबने पिकनिक मनाई और संडे खूब एंजॉय किया। तो अब मुझे ये कौन बताएगा कि हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है, बताओ कौन बताएगा, रेज योर हैंड। चलो कौन बताएगा, अच्छा विराज बताएगा सबसे पहले, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, विराज अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बोलो। कभी हमको नया पैसे नहीं कहना चाहिए, और कहना हमको आता है ऐसे कहा तो सब चीजें अच्छे से पार पड़ती है, इसीलिए कभी ही डरना नहीं चाहिए। वंडरफुल। अभी दीप्ति और भी बच्चों से पूछेंगे, फिर आप कंक्लूड करना, ठीक है। बाकी लोग भी हैं। अब ये सत्यम है, सत्यम बताओ आपके हिसाब से क्या मॉरल है सत्यम? खुशी मैम कभी भी हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए, अपना दिमाग से अपना काम किया है, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, सत्यम का कहना है, ठीक है। और कोई कहना चाहता है कुछ, रेज योर हैंड्स। मीनाकी आपको कैसी लगी स्टोरी, अनम्यूट करो। अच्छी लगी मैम। हाँ तो क्या सीखा आपने स्टोरी में? जो काम करना है लेजी नहीं करना है, फटाफट करना है अपने दिमाग से। अच्छा वंडरफुल, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को बोलना है? अच्छा नहीं तो मैडम बता देगी। अच्छा कृष्णा साई, ओके अपने आप को अनम्यूट करो कृष्णा साई। हाँ अब बताइए। Unity is strength. Okay, fine. Now who else wants to say? Bhavesh, do you want to tell? Unmute yourself. हाँ बताओ भावेश, क्या समझ में आया स्टोरी में? लेजी ना होना। अच्छा लेजी ना होना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? अच्छा ललिता है यहाँ पे, अनम्यूट करो अपने आप को।
हाँ बोलो बेटा, कौन सा भी काम मिलजुल के करे तो कौन सा भी होता, नहीं तो नहीं जीत पाते हैं। ओके वंडरफुल, कितने कितने सारे चीजें सीखने को मिल रही है सिर्फ एक स्टोरी से। और किसी को कुछ बोलना है, रेज योर हैंड्स। ओके अनन्या इज देयर, सो अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ, बताओ। मैम सबको एक साथ मिलके काम करने से काम अच्छा होता है। एक्सीलेंट, वेरी नाइस अनन्या, वेरी गुड। ठीक है अब सबका हो गया मैम, अब आपकी बारी है, अब आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों ने सही बताया कि जब हम सब काम मिलके करते हैं तो वो काम अच्छे से हो जाता है, क्योंकि किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई क्वालिटी है ना। वाटरमेलन हैवी है तो वो हैवी हैवी वर्क कर सकते हैं, और छोटे छोटे फ्रूट्स ने छोटा छोटा साथ दिया, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। तो यूनिटी स्ट्रेंथ, एंड हमें लेजी भी नहीं होना चाहिए। एप्पल वॉज लेजी इन दिस स्टोरी, है ना, लेजी था वो इस स्टोरी में, तो हमें लेजी भी नहीं होना चाहिए। अगर संडे है तो फिर तो क्या हुआ, घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, एंजॉय करना चाहिए। वेरी वेल डन, सबने अच्छे से बताया, वेरी गुड। चलो वेरी गुड मैम, और अब हम अपनी दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके तो दूसरी स्टोरी जो है हमारी वो है डॉगीज के ऊपर। डॉगी सबको पसंद है, छोटे छोटे पपी सबको पसंद है, राइट सबको पसंद है। तो इस स्टोरी का नाम है डिसोबीडियंट डॉग, डिसोबीडियंट डोनाल्ड। मेरे पास एक छोटा सा पपी है, इसका नाम है डोनाल्ड, छोटे से पपी का नाम है डोनाल्ड। और ये बहुत ही रिजिड है, बहुत स्टबन है, बहुत जिद्दी है। स्टबन मतलब जिद्दी, अपनी मम्मा की बात नहीं मानता बिल्कुल भी, और बहुत नॉटी है। नॉटी होना तो अच्छी बात है, बट जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। मम्मा की बात तो माननी चाहिए ना, सबको माननी चाहिए अपने मम्मा पापा की बात। तो ये छोटा सा हमारा डॉगी है, और इसकी मम्मा जो है, ये देखो कितनी बिग इसकी मम्मा, इसकी जो मम्मा है उसका नाम है चीनू। तो एक दिन क्या होता है कि ये जंप 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 नॉटी है, कूदते कूदते अपनी मम्मा के पास जाता है और बोलता है कि मम्मा मुझे बाहर जाना है घूमने, मुझे बाहर खेलने जाना है। तो मम्मा बोलती है कि नहीं नहीं बाहर अकेले नहीं जाना, अभी मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ चलना। तो ये बोलता है नहीं मुझे तो जाना है, मुझे अभी जाना है खेलने। तो मम्मा बोलती है कि नहीं जाना, गुस्सा कर देती है, कि मम्मा भी गुस्सा कर देती होंगी ना कभी कभी आपको, है ना। तो इसकी मम्मा भी गुस्सा कर देती है कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना। तो फिर ये सैड सैड होके बैठ जाते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि ये एक डॉग वैन देखता है और कहता है कि ना मुझे भी इस वैन में जाना है घूमने, मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे डॉगीज जाते हैं घूमने, एक अंकल आते हैं और इन्हें घुमाने ले जाते हैं। तो अपनी मम्मा को बोलता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी डॉग वैन में घूमने जाना है। तो मम्मा बोलती है कि नहीं वो घुमाने नहीं लेके जाते, वो आपको हमेशा के लिए ले जाते हैं। तो फिर ये बोलता है नहीं आप झूठ बोलते हो, आप चाहते नहीं कि मैं अकेले कहीं घूमने जाऊं, इसलिए आप बोलते हो ऐसा, मुझे तो जाना है डॉग वैन में घूमने। तो एक दिन क्या होता है कि मम्मा सो रही होती है, उसकी चीनू मम्मा सो रही होती है, और ये देखता है कि बाहर डॉग वैन आई है। तो घर के बाहर देखता है कि एक वैन आई है, डॉग वैन। तो फिर ये क्या करता है कि चुपचाप देखता है कि मम्मा तो सो रही है, चुपचाप जाके वैन में बैठ जाता है, और वैन में बैठ के बड़ा खुश हो रहा होता है कि आज तो मम्मा को पता भी नहीं चला और मैं तो घूम के आ जाऊंगा, तब तक वो तो सो रही है, जब तक वो उठेंगी तब तक मैं घूम के वापस आ जाऊंगा। तो फिर वैन में बैठ जाता है और दूसरे डॉगी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, ये अंकल हमें कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने। तो ये कहता है अरे हम घूमने नहीं जा रहे, ये हमको ले जा रहे हैं और कहीं पे ले जाके बंद कर देते हैं। तो फिर ये कहता है कि झूठ बोलते हो तुम मुझसे, मम्मा जैसी बात करते हो, ये हमें घुमाने ही लेके जा रहे हैं। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं लेके जा रहे घुमाने, हमें पकड़ के रख देंगे कहीं पे, बंद कर देंगे। तो फिर ये घबरा जाता है, इसका मतलब सच में ये तो कहीं पे लेके जा रहे होते हैं सब डॉग्स को इकट्ठा करके, कहीं पर बंद कर देंगे। तो फिर ये क्राई करने लगता है कि मम्मा तो सही कह रही थी, मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी। अब ये सैडी सैडी बैठा होता है, अब थोड़ी दूर आगे वैन जाती है
और ये छोटा सा तो होता है, तो इसको वहां से भागने का मौका मिल जाता है। ये भाग के जल्दी से अपनी मम्मा के पास पहुंच जाता है और अपनी मम्मा को सॉरी बोलता है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं उस वैन में चला गया था, वो अंकल तो सच्ची में कहीं लेके जा रहे थे हमको, वो तो मैं जैसे तैसे निकल के भाग के आ गया वहां से, तो मैं बच गया वहां से, मम्मा आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तो फिर मम्मा बोलती है कि मैंने तो आपके लिए ही बोला था, मैं आपको बोल रही थी ना कि वहां से वापस नहीं आते हैं कोई भी। तो अब कौन बताएगा कि इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है? ओके, पहले मीनाक्षी है, चलो मीनाक्षी बताओ, अनम्यूट करो। मैम किसी का बात मानना है और किसी का बात मानना है और नोटी नहीं होना है और बात नहीं मानने से खराब आदमी होता है। ठीक है, गुड गुड, आपने अच्छा ट्राई किया। ओके ललिता अनम्यूट करो। मम्मा का बात मानना चाहिए, उतना जिद्दी नहीं रहना चाहिए। गुड विराज बोलो। कि हमारे मम्मा की बात माननी चाहिए, वो हमारे लिए कहती है कि तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ खतरा है, इसलिए मम्मा हमारे लिए कहती हमारे जाने लिए कहती है। वंडरफुल वंडरफुल विराज। देन वी हैव माधुरी शर्मा, आई थिंक उसकी मम्मा का नाम होगा। There is a kid, Madhuri Sharma. Do you want to tell? Haji, unmute karo. Please unmute. हाँ बताइए। मैं मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और जो मम्मी पापा कहें वो करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। Very good, very good. उसके बाद भावेश, बताइए भावेश। भावेश अनम्यूट। हाँ बोलो भावेश। हम नाटी नहीं होना। क्या नहीं? नाटी नहीं होना है। अच्छा हमें नाटी नहीं होना है। ओके डन डन। और कौन बताएगा? ओके अनन्या बताओ बेटा। मैम अपने घर वालों की बात माननी चाहिए, मैम अपने माता और पिता की बात माननी चाहिए, मैम जिद्दी नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कौन बताएगा? अच्छा कृष्णा बताओ। कृष्णा ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। वंडरफुल, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। वेरी नाइस कृष्णा। और ईश्वर आप बताओ। हाँ व्हाट वाज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट डिड वी लर्न? वी शुड ऑलवेज ओबे। हाँ सो यू टेल, you can speak in telugu also, you can tell me in telugu, no problems. Telugu lo cheppu. Dog. Ha so what was ee kadalo mane em em nechukuna ee oppudu kuda mana parents maata vinnali, right? Yes ma'am. Okay. Anybody else? Okay, Lalita. Yeah, please tell. मानना चाहिए। मम्मी का बात मानना है। अच्छा, मम्मी का बात मानना है। Very nice, very nice. So, Deepthi, do you want to conclude it? Yes. So, हमें अपनी parents की बात तो माननी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी अच्छाई के लिए ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। लेकिन naughty होना is fine.
कभी कभी शरारते तो करेंगे हम, बच्चे हैं तो हमेशा बड़ों की तरह बिहेव थोड़ी ना कर सकते हम, छोटे छोटे बच्चे हैं तो, है ना। चलो तो ये स्टोरी फिनिश, और दोनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? वेरी गुड क्वेश्चन, बताओ दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। ओके विराज बोला, या विराज कौन सी अच्छी लगी? दोनों ही अच्छी स्टोरी लगे। कौन सी? दोनों ही स्टोरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। दोनों ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। ओके माधुरी बताओ। मैम फर्स्ट वो सेकंड वाली स्टोरी अच्छी लगी, डॉग डॉग और पपी की। अच्छा। मैम बहुत प्यारी स्टोरी। वंडरफुल। आपके पास डॉगी है? नो मैम। अच्छा ठीक है गुड। और कौन बताएगा कौन सी स्टोरी अच्छी लगी दोनों में से? मीनाक्षी बताना है, आप बताओ आप दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट स्टोरी क्यों? उसमें खूब सारे फ्रूट्स थे ना? यस मैम। हाँ बहुत कलरफुल फ्रूट्स थे तो इसलिए बड़ी सुंदर लग रही थी स्टोरी। हाँ ठीक है, और कौन बताएगा कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? अच्छा निवेदिता वंडरफुल बताओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। निवेदिता यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अब ठीक है बताओ। डॉग की स्टोरी क्यों अच्छी लगी? डॉग की स्टोरी डॉग की स्टोरी बहुत अच्छी थी। अच्छा डॉग की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, अच्छा ठीक है गुड। और कौन बताएगा? अच्छा कृष्णा बताओ, कृष्णा कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? टू स्टोरीज। हाँ तो इन दिस टू स्टोरीज विच यू लाइक्ड मोस्ट, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? टू वाज नाइस। सेकंड वाज नाइस, द डॉग स्टोरी वाज नाइस। Yes. So dog story was nice. Okay. और कोई बताएगा? Okay, Lalita is there. Lalita बताओ. Second वाला story teacher. अच्छा dog वाली story पसंद आई, ठीक है। क्यों क्यों बोले तो हमारे लिए बोलते, हमारे लिए जैसे बच्चे को है वो यूज होता है ना। Okay, wonderful. Because the moral they like more for the second story. ठीक है, then we have अनन्या। अनन्या कौन सी स्टोरी पसंद आई? मैम दोनों स्टोरी अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी, यस मैम। ठीक है गुड। और यहाँ पे हमारे पास ये है बच्चे, अनम्यूट करो बेटा। हाँ कौन सी स्टोरी अच्छी लगी? मैम दोनों, दोनों अच्छी लगी, सेकंड वाली मैम बहुत अच्छी लगी। हाँ सेकंड वाली ज्यादा अच्छी लगी है। ओके ठीक है गुड। अच्छा अब मेरे को बताओ, अभी मैम ने इतनी अच्छी अच्छी दो स्टोरी सुनाई तो हमें भी तो मैम को एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो कोई बताओ कोई एक अच्छी स्टोरी कौन सुनाएगा मैडम के लिए? कौन सुनाएगा एक अच्छी स्टोरी मैडम के लिए? कौन सुनाएगा? खुशी। हाँ बताओ बेटा, सुनाओ एक स्टोरी अच्छी सी। मैम इस कहानी का नाम है जंगल में शादी। हाँ एक बार एक जंगल में मैम शादी हो रही थी बंदर और बंदरिया की। उसमें बहुत सारे जानवर थे,
और लेकिन तो वो लोग बोले कि हमें शादी डांस भी करना चाहिए, तो कौन गाना गाएगा? तो हाथी ने सिर उठाकर अपने सुर उठाकर नाचना किया, तो वो बोला उसका तो उस लोगों को नहीं पसंद आया, बोले कोई और सुनाए। तो लोमड़ी ने कहा तो लोमड़ी का भी नहीं अच्छा लगा। कोयल ने कहा, कोयल ने गीत गाई। ओ कोयल की आवाज सुन के सब लोग बहुत खुश हैं और बंदर और बंदरिया भी नाचना स्टार्ट की। मैम बस इतना ही है। वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छी सुनाई आपने। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी। अभी किसी को सुनानी है? ललिता अनम्यूट योरसेल्फ और फिर बताओ। आप अनम्यूट करो ललिता अपने आप को और फिर सुना सकते हो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विराज आज शाम कैसे बैठा है तू? चलो एक स्टोरी सुनाओ मैम के लिए। इस तो कहानी का नाम है लालची हलवाई। हाँ। एक दिन एक गांव में एक हलवाई रहता था। वो एक टूप का धंधा कर रहा था और वो बहुत पैसे कमा रहा था। एक दिन राजा के सैनिक उस दुकान पर आए और कहने लगे कि तू शाम तक 40 किलो घी ले देना। वो हलवाई कहने लगा क्यों किस लिए? क्योंकि हमारे के तुम्हारे राजगढ़ में उत्सव है, क्या मीठा ही चाहिएगा? वो बोला हाँ, हमको उत्सव साधना करना है इसीलिए मांग रहा हूँ। और वो शाम तक कर रहा था पर 20 किलो ही तूप था। वो क्या करे? वो उसको वनस्पति तेल दिखा और वो कहने लगा चलो अब हम वनस्पति तेल डालते हैं। तो उसने वनस्पति तेल डाला। तो वनस्पति तेल डाल के 20 किलो पूरे हुए। तो 20-20 के 40 किलो ऐसी ये तू दिए। राजा ने बोला चलो अब मिठाई लेकर आओ। और वो मिठाई लेके आते और कुछ ही दो दिनों में वो सभी बीमार पड़ने लगते क्योंकि तो युवा कहने लगते क्योंकि हम सब बीमार पड़े। राजा ही मिठाई खा के बीमार पड़ गया तो क्या करे? तो उसने मिठाई वाले को बुलाया तो बताया कि तुमने क्या क्या डाला था इसमें। वो मिठाई वाला बोला कि मैंने सब बराबर चीजें डाली थी, मुझे उस मिठाई में तूप में से वनस्पति तेल का वास आ रही थी इसीलिए मैंने देखा तो वनस्पति वास थी। तो दो सैनिक जाते हैं और उसको रंगे हाथ पकड़े लाते वनस्पति तेल डालता है इसीलिए वो राजा के आगे बुलाते हैं और कहते हैं तुमने वनस्पति तेल डाला है। वो
वो सवाल के तहे नहीं मैंने नहीं डाला था और हमको तो कैसे आशा रही थी वनस्पति की एक बार नहीं मैंने नहीं डाली थी मैंने झगड़ा लगाई बताओ वरना तुमको ईमेल डाल दूंगा वो बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं डाली थी वो झूठ बोल रहा था और राजा ने उसको काल कोठरी में डाल दिया क्यों और कभी ही लालची करना नहीं चाहिए हाँ। लालची को सजा मिलती ही है वेरी नाइस विराट बहुत अच्छे एवरीबॉडी क्लैप इतनी अच्छी सुनी सुनाई है हाँ अब और कौन सुनाएगा ओके ललिता सुनाओ स्टोरी का नाम है सच्चा दोस्त और एक पेड़ था उसको एक दोस्त था उसका नाम अमर था उन दोनों बहुत प्यारे थे दोनों दोस्त अच्छा था तो एक दिन उसका पत्ता पत्ता से माला बनाता था तने पर चल रहा था बहुत खुश थे एक दिन अमर बड़ा होने लगा तो टाउन जाने के लिए सोच रहा था उन्होंने टाउन जाने के लिए सोच रहा था तब गया तो उधर एक नदी है नदी से कैसे जाना बोल के पेड़ को जाके पूछा पेड़ ने बोला मेरे नाव लकड़ियां ले लो नाव बना लो जाओ तब अमर जा गांव जाके खूब पैसे कमाता है फिर से लौट आता है गांव को आए तो उसका घर टूट जाता है तब पेड़ के पास रो रो के जाता है तब रो रो के जाए तो पेड़ ने बोलता है मेरे मेरे पेड़ ले काट लो तो उसके लकड़ी ऐसे घर बना लो तो अमर वैसे ही करता है पेड़ पूरा काट के घर बना लेते थोड़े दिन में पेड़ पूरा कट हो जाता है तब अमर सोचता है कितना अच्छा सच्चा दोस्त है बोल के वेरी नाइस ब्यूटीफुल अच्छा अब कौन है यहाँ पे ओके हाँ मैंने आपको अनम्यूट किया बताइए स्टोरी आपका नाम बच्चा आई थिंक खुशी है ना आपके आपके बगल में उसने हाथ खड़ा किया बताइए स्टोरी मैम एक बार नहीं एक जंगल में दो शेर रहते थे एक बार की बात है एक जंगल में दो शेर रहते थे और उन सब में बहुत गहरी दोस्ती थी मैम एक हाथी उन सब का दोस्त था तो उसने झगड़ा लगाया दोनों शेर में मैम तो शेर ने अपने मित्र को अलग कर दिया अपने से मैम उसी बाजू बाजू जंगल में उसके वो भी जाकर अपना घर बनाया फिर उसके भी बहुत सारे मित्र हो गए वो बहुत खुशी खुशी रहता था तो फिर उसका मित्र मैम देख के उसको बहुत जलता था हो गई तो क्या सीख स्टोरी का क्या सीखा हमने स्टोरी से मैम कभी किसी का बात नहीं मानना चाहिए किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए मैम की अपने जिसे हम नहीं पहचानते उसकी बात नहीं माननी वेरी गुड वेरी ठीक अब और कोई अच्छा वी हैव या माधुरी या बताइए व्हाट इज योर नेम क्योंकि आपके मोबाइल पे माधुरी लिखा है यस मैम व्हाट इज योर नेम मैम आयुष शर्मा आयुष शर्मा ठीक है तो अगली बार क्लास में ना उसको रीनेम कर देना आयुष के नाम पे यू नो हाउ टू रीनेम ठीक है प्लीज आयुष टेल द स्टोरी मैम स्टोरी नहीं आई थी नो मैम कोई भी स्टोरी नहीं आती नो मैम ओहो तो आप संडे अभी आपके पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थ्री डेज है थ्री डेज में कोई एक स्टोरी तैयार करके आओगे ताकि संडे की क्लास में आप मुझे स्टोरी सुनाओगे ओके क्या मैम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थ्री डेज अभी आपके पास है इस थ्री डेज हाँ. में आप एक स्टोरी तैयार करके मुझे संडे को स्टोरी सुनाओगे यस मैम ओके हाँ यस मैम ठीक है यस दीप्ति नाउ वी कैन कंक्लूड अगर आपको कुछ कहना है प्लीज गो अहेड
नहीं बस जिस तरह से आपने देखा मैंने प्रॉप्स बनाए हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो बनाने का, और फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आपने कैसे कैसे ट्राई किया है प्रॉप्स। यस, और आप सब बच्चे लोग जैसे मैम ने आज, मैम एक बार मैंगो दिखाना, ग्रेप्स दिखाना, ऐसे बनाओगे और आप बना के फोटोग्राफ प्रिंसिपल मैम को दोगे, प्रिंसिपल मैम मेरे को भेजेगी, मुझे ऐसे सभी फ्रूट्स दिखने चाहिए, ये बहुत आसान है बनाना। सभी प्रॉप्स एक बार मैम चारों हाथ में पकड़ के दिखाना उनको, फिर ग्रेप, फिर मैंगो है, ग्रेप्स है, एप्पल और वाटरमेलन, वाटरमेलन एंड दिस इज मिस ऑरेंज। ठीक है, तो कोई भी एटलीस्ट दो फ्रूट्स बना लेना अगर चारों नहीं बना सकते, राइट? और संडे को आप बना के स्टोरी टेलिंग में आओगे तो मुझे सब स्टोरी सुनाओगे। मीनाक्षी रेडी बनाओगे मीनाक्षी संडे को, दिखाओगे? विराज ने ओके बोल दिया, मीनाक्षी ने ओके नहीं बोला है मेरे को, बना दोगे? ओके चलिए, तो मैम के लिए थैंक यू, क्लैपिंग करें सब लोग। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके।